हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सरफराज नवाज कॉमर्स की इस क्लास में आपका वेलकम करता हूं। आज हमारी क्लास होगी पार्टनरशिप के डिसएडवांटेजेस के बारे में, यानी कि पार्टनरशिप के नुकसानात के बारे में। ये हमारा पार्टनरशिप का कंटिन्यूशन ही चल रहा है। पहले के वीडियो में आपने देखा कि पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है और उसके क्या फ्यूचर्स होते हैं, और दूसरे वीडियो में आपने देखा कि पार्टनरशिप के क्या फ़ायदे होते हैं, उसके कितने एडवांटेजेस होते हैं। तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि पार्टनरशिप के नुकसानात क्या हैं, यानी कि उसके डिसएडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है पार्टनरशिप का, दो वीडियोस आप लोग ऑलरेडी पहले ही समझ चुके हैं। क्या मतलब होता है पार्टनरशिप का? पार्टनरशिप का मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर आपस में कारोबार करते हैं, आपस में एक अग्रीमेंट करते हैं और तमाम पार्टनर्स राज़ी होते हैं। किसके लिए राज़ी होते हैं? बिजनेस करने के लिए राज़ी होते हैं। और जब बिजनेस करेंगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। बिजनेस में चाहे प्रॉफिट आए या लॉस आए, प्रॉफिट को या फिर लॉस को तमाम पार्टनर्स मिलकर आपस में बांट लेते हैं, आपस में शेयर कर लेते हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम पार्टनरशिप कहेंगे, शराकतदारी कहेंगे। पिछले वीडियोस में आपने पार्टनरशिप के बारे में सुना, समझा, पार्टनरशिप के फीचर्स, खसूसियात और उसके फ़ायदे, एडवांटेजेस के बारे में जाना। मगर आज पार्टनरशिप के खामियों के बारे में जानेंगे, यानी कि पार्टनरशिप में जो जो खामियां हैं उनको निकालेंगे, जिसको हम डिसएडवांटेजेस या फिर डीमेरिट्स भी कहते हैं। तो आज की हमारी ये क्लास डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में होगी, यानी पार्टनरशिप के नुकसानात के बारे में होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा पार्टनरशिप का डिसएडवांटेज है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या है आपको अच्छी तरीके से पता है, लामहदूद जिम्मेदारी। पार्टनर्स की जिम्मेदारी लामहदूद होती है, उनकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती हैं। यानी कि पार्टनरशिप में अगर कुछ लॉस हो जाए, नुकसान हो जाए, तो पार्टनर्स उस नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे? पार्टनर्स उस नुकसान की भरपाई अपने पर्सनल एसेट्स को बेचकर भी कर सकते हैं, अपनी पर्सनल जायदादों को बेचकर खर्च चुकाएंगे। किसका खर्च चुकाएंगे? पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होने की वजह से पार्टनर्स में आपस में इख्तलाफ बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है इख्तलाफ, डिफरेंसेस क्यों आ सकते हैं? क्योंकि कारोबार में अगर नुकसान हो जाए या खर्च बढ़ जाए, तो अब ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन से पार्टनर को कितना अमाउंट भरपाई करना पड़ेगा? हर पार्टनर यही चाहेगा कि वो कम से कम अपना कंट्रीब्यूशन करे उस नुकसान में। तो कोई भी पार्टनर अपनी पर्सनल जायदाद को बेचना नहीं चाहेगा, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी को लेकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे नुकसान की तरफ, जिसको इंस्टेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्टेबिलिटी, यानि गैर मुस्तहकम, यानि गैर यकीनी कैफियत, भरोसा नहीं है। पार्टनरशिप में ज़्यादा पार्टनर्स होने की वजह से पार्टनर्स आपस में एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, और जब भरोसा ही नहीं रहेगा या फिर कम रहेगा, तो कारोबार को कैसे चलाया जा सकता है? कारोबार को चलाने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो पार्टनर्स का आपस में एक दूसरे पर कम भरोसा करना या भरोसा बिल्कुल ही नहीं करना, तो ये पार्टनरशिप बिजनेस के लिए मुफीद साबित नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नुकसान की तरफ, जो है
लिमिटेड कैपिटल यानी के महदूद सरमाया, कौन सा सरमाया, महदूद सरमाया, लिमिटेड कैपिटल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम दो लोगों का होना ज़रूरी होता है और बैंकिंग बिजनेस के लिए मैक्सिमम 10 लोग हो सकते हैं और नॉन बैंकिंग बिजनेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग हो सकते हैं। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो कैपिटल सरमाया बहुत कम ही जमा हो सकता है, ज़्यादा सरमाया कैपिटल जमा नहीं हो सकता। पार्टनर्स कम होने की वजह से सरमाया इकट्ठा करने में मुश्किलात पेश आती हैं। इसका चौथा नुकसान है नो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यानि के हिस्से की मुंतकिली पर पाबंदी। किसकी मुंतकिली पर पाबंदी, हिस्से की मुंतकिली पर पाबंदी, नो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि एक पार्टनर अपना हिस्सा किसी दूसरे पार्टनर को मुंतकिल नहीं कर सकता, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अगर पार्टनर अपना हिस्सा ट्रांसफ़र भी करना चाहता है तो दूसरे तमाम पार्टनर्स का कंसेंट लेना पड़ेगा, यानी उनकी रजामंदी लेनी पड़ेगी, जो एक आसान काम नहीं होता। पार्टनरशिप का पांचवा नुकसान है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। किसकी कॉन्फ्लिक्ट्स, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स यानि इख्तलाफ राय का अमकान। ऐसा क्यों होता है, इख्तलाफ क्यों पैदा होता है, क्योंकि पार्टनर्स ज़्यादा हैं तो हर पार्टनर यही चाहेगा कि उसकी राय मानी जाए, उसके डिसीजंस को इम्पॉर्टेंस दी जाए, उसकी सलाहियतों को माना जाए। और हर पार्टनर के अलग अलग खूबियाँ होते हैं और हर पार्टनर यही चाहेगा कि कारोबार में उसकी राय को माना जाए, जो कि ऐसा मुमकिन नहीं होता, जिसकी वजह से पार्टनरशिप में इख्तलाफात पैदा होते हैं, डिफरेंसेस पैदा होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। पार्टनरशिप में ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स इख्तलाफात फाइनेंस को लेकर होते हैं, पैसे को लेकर होते हैं और हर पार्टनर यही कोशिश करता है कि उसके फैसले को माना जाए, जो कि ये मुमकिन नहीं होता, जिसकी वजह से पार्टनर्स में इख्तलाफात हो जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छठे नुकसान की, लैक ऑफ पब्लिक फेथ, अवामी एतमाद की कमी। किसकी कमी, अवामी एतमाद की कमी। पब्लिक को पार्टनरशिप बिजनेस पर एतमाद नहीं होता, अवाम का भरोसा पार्टनरशिप फर्म पर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि पब्लिक ये नहीं जानती कि कौन सा पार्टनर किस किस्म का है, क्या वो ईमानदार है या फिर धोखेबाज है। और जब पार्टनर्स को ही आपस में एक दूसरे पर भरोसा नहीं होता या फिर एतमाद कम होता है तो पब्लिक उन पर एतमाद क्यों करेगी। चलिए इसका अगला नुकसान है फैसला साजी में ताखीर। किस में ताखीर, फैसला साजी में ताखीर, डिले इन डिसीशन मेकिंग। ज़्यादा पार्टनर्स होने की वजह से फैसलों में इत्तेफाक नहीं होता, हर पार्टनर कोई एक फैसले पर राजी नहीं होता, हर पार्टनर के कुछ अलग गोल्स होते हैं, कुछ अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो किसी दूसरे पार्टनर से मेल नहीं खाते, तो किसी भी बात को लेकर उनके फैसलों में इख्तलाफ होता है। तमाम पार्टनर्स के सोच और फैसले डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, जिसकी वजह से किसी भी किस्म के फैसलों को लेने के लिए ताखीर होती है, डिले होता है। तो समझ में आया पार्टनरशिप के नुकसानात क्या होते हैं, उसके डीमेरिट्स क्या होते हैं। तो आज की इस क्लास में आपने क्या समझा, क्या सीखा? तो आज की इस क्लास में आपने सीखा कि पार्टनरशिप में किन किन तरीक़ों से नुकसानात हो सकते हैं। हर पार्टनर का काम करने का तरीक़ा अलग होगा, अंदाज़ अलग होगा,
उसकी सोच अलग होगी, उसके फैसले अलग होंगे, यानी कि हर पार्टनर में अलग अलग नेचर होंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी। हमारी इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।